कहानी की शुरुआत मार्क और कैमिली नामक दो रिपोर्टर्स से होती है, जो रिपोर्ट में बता रहे थे कि वेस्टरविले रेजिडेंट के एरिया में कई लोगों को एक मिस्टीरियस जीव दिख रहा है, जिसे लोग रेटमैन कह रहे हैं। लोगों का कहना ये भी है कि रेटमैन ह्यूमन और एनिमल का हाइब्रिड है और वो एक गटर में रहता है। आगे हॉली और जेफ को दिखाया जाता है। जेफ कैमरामैन है, हॉली एक रिपोर्टर। हॉली कई लोगों का इंटरव्यू ले रही थी जिन्होंने भी रेटमैन को देखा था। तभी एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि उसने नदी के पास वाले सीवर में उसे देखा था। आगे ये लोग उसी सीवर के अंदर जाकर न्यूज को कवर करते हैं। तभी कैमरामैन जेफ सीवर के अंदर किसी को नोटिस करता है। अब जेफ अंदर जाता है और फ्लैशलाइट ऑन करके देखता है तो वहां किसी का बिस्तर होता है, जो शायद किसी बच्चे का था, क्योंकि वहां एक टॉय भी होता है। अब हॉली शिवर के और अंदर जाने का डिसाइड करती है कि शायद उन्हें आगे कुछ और भी मिल जाए जिसे वो रिकॉर्ड कर अपनी न्यूज में दिखा सकें। अब ये दोनों शिवर के काफी अंदर तक चले जाते हैं। यहाँ हॉली को एक टेंट हाउस दिखता है। हॉली जेफ को उस टेंट हाउस के अंदर रिकॉर्ड करने कहती है। जेफ अब टेंट हाउस के अंदर रिकॉर्ड करता है तो वहां उसे एक ओल्ड मैन दिखता है जो काफी बुरी हालत में था। जेफ उसे देख डर जाता है, जिसके बाद हॉली उसे शांत करती है। अब हॉली उस ओल्ड मैन का इंटरव्यू लेती है कि उसका नाम क्या है, तो ओल्ड मैन बताता है, मेरा नाम बिली है। आगे हॉली पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ यहाँ और भी लोग हैं। तभी बिल के मुंह से ब्लैक लिक्विड बाहर आता है, जिसे देख हॉली और जेफ काफी डर जाते हैं और ये दोनों अब यहाँ से भागते हैं। जेफ आगे भाग रहा होता है, तभी पीछे से उसे हॉली की आवाज आती है। जेफ पीछे मुड़कर देखता है तो वहां उसे हॉली नहीं दिखती। अब वो आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखता है और यहां टेप थोड़ी क्रैश होती है। आगे टेप कंटिन्यू होती है। यहां हॉली और जेफ को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था। अब यहां एक बंदा एक सीवर पाइप में से किसी के आने का इंतजार करता है, तो उस सीवर पाइप में से रेटमैन बाहर आता है। वो अपना सलाइवा निकालता है। अब इन लोगों का लीडर उस सलाइवे को जेफ के चेहरे पर डालता है तो जेफ का चेहरा बर्न होने लगता है, क्योंकि वो सलाइवा एक एसिड की ही तरह था, वो काफी गर्म था। अब ये सभी लोग हॉली को उस मॉन्स्टर के पास ले जाते हैं। यहाँ वो मॉन्स्टर हॉली को देख इधर उधर मूव करता है और चिल्लाता है। हॉली के ऊपर उसका सलाइवा गिरता है पर वो बच जाती है। अब मॉन्स्टर को दिखाते हुए ये फुटेज यहीं खत्म हो जाती है। आगे की स्टोरी न्यूज चैनल की फुटेज से कंटिन्यू होती है, जहां मार्क द्वारा हमें पता चलता है कि हॉली को उस गटर से बचा लिया गया था और अब हॉली ठीक भी है। अब हॉली मार्क के साथ ही बैठी होती है। आगे मार्क हॉली से कहता है कि बताइए आपको वापस आकर कैसा लग रहा है। तभी हॉली के मुंह से ब्लैक लिक्विड बाहर आता है और इसके बाद हॉली मार्क के चेहरे पर ब्लैक लिक्विड की उल्टी कर देती है। ये ब्लैक लिक्विड काफी एसिडिक था, इससे मार्क का चेहरा जल जाता है और उसके चेहरे की खाल उतर जाती है। और ये फुटेज इसी के साथ एंड हो जाती है। तो इस VHS रिकॉर्डिंग में आखिर था क्या? तो यहाँ हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसे लोग रेटमैन बुलाते हैं, और यहाँ एक ग्रुप है जो मॉन्स्टर को एक्सेप्ट करता है। वो मानता है कि मॉन्स्टर अच्छा है। ये लोग मॉन्स्टर को ऐसे लोग चुनने में हेल्प करते हैं जो उसकी पावर होल्ड कर सके। जैसे पहले ये लोग जेफ पर मॉन्स्टर का सलाइवा डालकर चेक करते हैं, पर जेफ उस सलाइवा से मर जाता है क्योंकि वो सलाइवा काफी एसिडिक था। इसके बाद वो मॉन्स्टर को हॉली देते हैं तो मॉन्स्टर हॉली को एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए हॉली पर मॉन्स्टर के सलाइवा का कुछ असर नहीं होता। और फुटेज के एंड में हम देखते हैं कि हॉली के मुंह से सेम ब्लैक लिक्विड निकलता है जो मॉन्स्टर का सलाइवा है, यानी हॉली अब रेटमैन मॉन्स्टर है। ये थी मेरी थ्योरी इस फुटेज को लेकर। इस VHS टेप की शुरुआत एक एंड्रू एडवर्ड्स नाम के व्यक्ति के मेमोरियल से होती है। ये मेमोरियल एक फ्यूनरल हाउस में रखा गया था। यहाँ इस मेमोरियल को हेली होस्ट कर रही थी। अब एंड्रू की फैमिली वालों ने मेमोरियल को रिकॉर्ड करने को कहा था, इसलिए ये पूरा मेमोरियल रिकॉर्ड हो रहा था। अब हेली लोगों का मेमोरियल में आने का इंतजार करती है। तभी बाहर बादलों की गड़गड़ाहट होती है। काफी समय बीतता है
पर मेमोरियल में कोई भी नहीं आता। बाहर अब बारिश भी होनी शुरू हो जाती है। तभी हैली को ऐसा लगता है मानो एंड्रू के कॉफिन में से आवाज आई हो। तभी हैली को उसकी दोस्त शेरोन का कॉल आता है। हैली अपनी दोस्त से न्यूज़पेपर चेक करने को कहती है कि न्यूज़ में क्या किसी एंड्रू एडवर्ड्स नाम के व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जो कि अभी किसी हाल ही के हादसे में मरा हो। ये कहकर हैली कॉल कट कर देती है। इसकी थोड़ी देर बाद हैली देखती है कि कॉफिन अपनी जगह से मूव हुआ है। तो हैली रोनाल्ड को कॉल करती है। रोनाल्ड भी सेम जॉब करता था बट अलग डे की शिफ्ट पर। अब हैली उसे कॉल कर बताती है कि कॉफिन मूव हुआ है। तभी रोनाल्ड उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें बस वहम हो रहा है। तो हैली कहती है कॉफिन से आवाज़ें भी आ रही थी। तो रोनाल्ड का फ्रेंड टिम हैली को बताता है कि ह्यूमन डेड बॉडी में से मरने के बाद कुछ केमिकल्स और गैसेस रिलीज होती हैं जिस वजह से कभी कभी कॉफिन से आवाज़ आ जाती है। अब हैली टिम की बातें सुन रिलैक्स्ड फील करती है। अब थोड़ी देर बाद एक आदमी मेमोरियल के लिए आता है और थोड़ी देर बाद चला भी जाता है। इसके बाद हैली को उसकी फ्रेंड शेरोन की कॉल आती है। शेरोन हैली को बताती है कि एंड्रू एडवर्ड्स ने चर्च की छत से कूदकर अपनी जान गंवाई थी। इस हादसे में एंड्रू की खोपड़ी के दो टुकड़े हो गए थे। अब ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद शेरोन का फ़ोन डिसकनेक्ट हो जाता है। तभी फ्यूनरल हाउस की लाइट भी चली जाती है। हैली कैमरा की लाइट को यूज़ करती है रोशनी के लिए। तभी वो देखती है कि कॉफिन हिलता है। अब वो डर कर भागती है पर बाहर का गेट लॉक्ड होता है। अब वो वापस रूम में आती है। यहाँ कॉफिन खुल रखा था और कॉफिन से एंड्रू की डेड बॉडी जिंदा होकर बाहर खड़ी हो गई थी। अब एंड्रू हैली की ओर बढ़ता है लेकिन वो हैली को देख नहीं पाता क्योंकि एंड्रू की खोपड़ी का आधा हिस्सा जिसमें आंखें थी वो कहीं और गिर रखा होता है। अब हैली देखती है एंड्रू की डेड बॉडी की आंतें बाहर गिरने लगती हैं। तभी हैली एंड्रू की खोपड़ी का बाकी का हिस्सा देखती है जिसकी आंखें मूव होती हैं और वो हैली को देखती हैं। अब एंड्रू की डेड बॉडी हैली को पकड़ लेती है जिसके बाद रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए क्रैश हो जाती है। अब एंड में दिखाया जाता है हैली को जो फ्यूनरल हाउस की विंडो से बाहर जाती है। अब मेरी थ्योरी के हिसाब से मेरे को लगता है या तो ये कोई जॉम्बी अपोकलिप्स की शुरुआत है जो कि एंड्रू से हुई जिसके बाद उसने वायरस हैली को भी दिया जिसके बाद हैली भी जॉम्बी बन गई और वो पूरे शहर में जॉम्बी अपोकलिप्स को फैलाने चली गई, या फिर तो एंड में ये भी हो सकता है कि हैली ने एंड्रू को हरा दिया और फिर वो ठीक ठाक घर चली गई। आपका क्या कहना है ये बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन में। ये टेप एक सन की डॉक्टर के खतरनाक एक्सपेरिमेंट से शुरू होती है जिसे वो रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ उसने ह्यूमन और मशीन के मिश्रण से एक व्यक्ति बनाया होता है लेकिन उसका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। अब 2 महीने बाद ये डॉक्टर 2 नए लोगों को किडनैप कर लेके आता है उन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। यहाँ लड़के को वो सब्जेक्ट 98 कहता है और लड़की को 99। अब ये सन की डॉक्टर एक्सपेरिमेंट शुरू करता है जहां वो लड़की की खोपड़ी को काटकर अलग करता है। अब टेप यहां एंड होती है और नेक्स्ट टेप से स्टोरी कंटिन्यू होती है। यहां डॉक्टर ने अपना एक्सपेरिमेंट आज कंप्लीट कर लिया होता है। उसने लड़की के आधे सर की जगह एक कैमरा को फिट कर दिया था। अब आगे डॉक्टर सब्जेक्ट 98 लड़के पर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। तभी टीवी पर एक लापता लड़की की न्यूज आती है जिसके गायब होने के पीछे पुलिस को इसी पागल डॉक्टर के ऊपर शक होता है। यहाँ लड़की न्यूज देख अपने आप को पहचान लेती है। तभी डॉक्टर उसका कैमरा यानी देखने की शक्ति को ऑफ कर देता है। अब टेप शुरू होती है। यहाँ डॉक्टर लड़की को मारने की कोशिश करता है तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस का एक बंदा अपने कैमरा से एविडेंस के लिए सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब पुलिस कमांडर सभी को कहते हैं कि इस पागल डॉक्टर को यहीं शूट करके जान से मार दो। इसके बाद सभी लोग उसे शूट कर जान से मार देते हैं। अब ये इस जगह की तलाशी करते हैं। तलाशी में जोनों को
जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसे 99 दिखती है। उसे देख जोनो को उल्टी आने लगती है। अब कमांडर यहाँ आते हैं। कमांडर उसे मारने वाले होते हैं, तभी 99 कमांडर को मना करती है कि वो उसे ना मारे। यहाँ जोनो भी कमांडर को रोकने की कोशिश करता है, तभी यहाँ की लाइट्स चली जाती है। जोनो फ्लैशलाइट ऑन करता है अपने कैमरा की, तो देखते हैं कि वो लड़की अपनी जगह पर नहीं होती। अब कमांडर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तभी गेट लॉक हो जाता है। बाकी ऑफिसर्स बॉम्ब से गेट के लॉक को ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं और कर भी देते हैं, जिसके बाद गेट खुल जाता है। लेकिन गेट के खुलते ही एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिससे कई ऑफिसर्स को चोट आ जाती है। तभी यहाँ डॉक्टर की प्री रिकॉर्डेड टेप प्ले होती है कि तुम सब अब यहाँ कैद हो गए हो। अब बाकी ऑफिसर्स यहाँ एक्सपेरिमेंट 98 को चेक करते हैं, तभी वो जाग जाता है और ऑफिसर्स को मारने लगता है। वो जोनो को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन कमांडर उसे बचाते हैं। अब यहाँ टेप क्रैश हो जाती है। टेप कंटिन्यू होती है 99 के कैमरा से, जो उसके सर की जगह फिट हो रखा है। वो देखती है कि 98 उसे भी मारने आ रहा है, तो वो भी उससे बचकर भागती है। वो भागते भागते एक रूम में गिर जाती है। ये रूम डॉक्टर का था। यहाँ 99 देखती है कि उसका आधा कटा हुआ सर एक जार में रखा होता है। अब वो मिरर में अपना चेहरा देखती है, जहाँ उसके चेहरे की जगह एक कैमरा था। अब 99 आगे जाती है डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट रूम में। यहाँ उसे एक लड़की दिखती है, जिस पर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट अभी अधूरा था। यहाँ 99 उस लड़की को मार देती है, ताकि उसे और तकलीफ ना हो। आगे यहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है, जो 99 को मारने की कोशिश करता है। तभी 99 पास ही में पड़ी गन को अपने हैंड से फिट करती है, जो कि डॉक्टर ने उसके लिए बनाई थी। अब वो उस गन से पुलिस वालों को मार अपना बचाव करती है। इसके बाद वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, तभी उसे जोनो मिलता है। जोनो उससे कहता है, तुम तो वही लापता लड़की हो, तुम क्या चाहती हो? तो 99 कहती है, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। इसके बाद जोनो उसे बचाकर बाहर ले जा रहा होता है, तभी कमांडर वहां आ जाता है और 99 को मारने लगता है। 99 कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी बैटरी लो हो रही थी। तभी जोनो कमांडर को गोली मार 99 को बचाता है, लेकिन तभी यहां 98 आ जाता है और वो जोनो को मारने लगता है। 99 अपनी बैटरी लो होने से पहले 98 का दिमाग बाहर निकालकर उसे जान से मार देती है। यहाँ जोनो भी तड़प तड़प कर मर जाता है। एंड में एक सीसीटीवी फुटेज से हम देखते हैं कि 99 बचकर बाहर निकल जाती है। ये टेप एक ग्रुप से स्टार्ट होती है, जिनका बेस एक सीक्रेट डेजर्ट में था, वो भी फुल सिक्योरिटी में। ये ग्रुप एक गवर्नमेंट बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। इन्होंने एक वैम्पायर को भी पकड़ रखा होता है। आगे तीन लोगों को दिखाया जाता है, ग्रेग ग्रुप का लीडर, चक ग्रुप का मेंबर और बॉब, जो कि ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। ये एक सीक्रेट कंपाउंड में जाते हैं। ये वहां जाकर पकड़े हुए वैम्पायर को शूट करते हैं। फिर ग्रेग एक वीडियो में बताता है कि हमारे पास एक वैम्पायर है, उसका ब्लड धूप में ब्लास्ट हो जाता है। हम उसका खून जमा कर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग को उड़ाएंगे और अपने अमेरिका को वापस लेंगे। आगे ये लोग एक खरगोश के अंदर वैम्पायर का ब्लड डालते हैं और उसे सनलाइट में ले जाते हैं, तभी खरगोश ब्लास्ट हो जाता है। अब इस ग्रुप का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था, तो ये लोग अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं। तभी बॉब और स्टीव नाम का एक बंदा वैम्पायर को परेशान करने जाते हैं, तभी वैम्पायर का थोड़ा ब्लड स्टीव के मुँह में चला जाता है। अगली सुबह एक इमरजेंसी अलार्म बजता है। ग्रुप के मेंबर्स देखते हैं कि उनके ग्रुप का एक बंदा वैम्पायर द्वारा मारा गया है। अब एक कंपाउंड के गेट पे देखते हैं और स्टीव को आवाज़ मारते हैं, तभी कंपाउंड के गेट से स्टीव की मुंडी वैम्पायर बाहर फेंकता है। आगे अब ये सभी लोग वैम्पायर को मारने का डिसाइड करते हैं और कंपाउंड में जाते हैं। तभी यहाँ हमें वैम्पायर दिखता है, जो बॉब को मार देता है। इसके बाद वैम्पायर
अपने ऊपर कंपाउंड की छत हटा देता है। तभी सूरज की रोशनी अंदर आती है और वैम्पायर पूरे कंपाउंड के साथ ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ एक स्वैट टीम को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग में ड्रग्स पकड़ने के लिए रेड करते हैं। टीम में स्लेटर, अर्सलर, स्प्रेबेरी, स्पीवी, पेट्रोर, नैश होते हैं और कैमरामैन गैरी भी। यहाँ ये अब इस बिल्डिंग में जाते हैं तो इस बिल्डिंग में उन्हें कई सारी अजीब चीजें दिखती हैं, जैसे कुछ लोगों की डेड बॉडीज जिनकी आंखें बाहर निकली हुई थी। उन्हें कई टीवी भी दिखते हैं जिन पे मूवी में पहले दिखाई हुई VHS टेप्स चल रही थी। तभी यहाँ एक बंदा स्पीवे इनकी टीम का मेंबर गायब हो जाता है। अब सब उसकी तलाश करते हैं। तभी नैश स्लेटर को ध्यान रखने को कहती है। आगे यहाँ आधे से ज्यादा टीम मर जाती है। नैश और पेट्रो ये दोनों इनकी टीम की मेंबर स्लेटर को किडनैप कर लेती हैं। अब ये दोनों बताती हैं कि हम एक कल्ट की मेंबर हैं, हम क्रूएल और ब्लडी VHS टेप्स को रिकॉर्ड करते हैं और इन्हें स्टोर करते हैं और ये हमारी सबसे अच्छी टेप होने वाली है अब तक की। अब तुम आखिरी हो जिसे मारना है। यानी इन्हीं दोनों ने बाकी की टीम को भी मारा। एंड में पेट्रो स्लेटर को अपने वीडियो कैमरा से मारती है और उसके चेहरे को बुरी तरह कुचल देती है। एंड यहाँ हमारी सभी टेप्स यानी मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।